आज मेरा एक सीधा विनम्रता से लेकिन एक गंभीर आरोप है, सरकार ने तैयारी किए बिना जो कदम उठाए, जल्दबाजी में कह लीजिए, ना समझी में, अनभिज्ञ होके, तैयारी के अभाव में, उससे अनायास ही क्यों नहीं, निश्चित रूप से अनायास ही था, लेकिन अनायास ही क्यों नहीं, कोरोना बढ़ने का खतरा बहुत हद तक कई गुना बढ़ गया है। ये एक बहुत गंभीर मामला है। आज अगर आप संदर्भ को देखें तो 19 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री ने देश को एक आभास दिया जनता कर्फ्यू की घोषणा करके, वो आभास सरकार का भी था, जनता का भी था, लेकिन उसके बाद चार दिन यानी 20, 21, 22, 23 बिना किसी कोऑर्डिनेशन के केंद्र सरकार की तरफ से कुछ और घोषणा नहीं हुई इस मामले में, और उस दौरान जो भी प्रदेश थे वो बिना कोऑर्डिनेशन के कहीं पूर्णतया बंदी लॉकडाउन, कहीं आंशिक रूप से इत्यादि। उसके बाद 24 तारीख को अचानक 3-4 घंटे के नोटिस में एक पूरा राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा की गई। अब आप देखें कि एक तरफ तो 3-4 दिन दिए गए थाली पीटने के लिए, हमारे योद्धाओं को, कोविड योद्धाओं की प्रशंसा करने के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन आपने एक राष्ट्रीय बंदी लॉकडाउन की घोषणा करने के लिए 3-4 घंटे का भी नोटिस नहीं दिया। ये क्या लाजमी है, ये क्या समझ आ सकता है? कई वर्गों को आपने इस घोषणा करते समय जैसे कोई आप अनभिज्ञ हो उन वर्गों के बारे में, जैसे आपको संज्ञान ही नहीं है उन वर्गों का, जो हमारे माइग्रेंट लेबर है, दूसरे प्रदेशों के प्रवासी जो काम करने के लिए आते हैं, जो लाखों सैकड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जो डेली वेजर से, लगता है जैसे आप 24 तारीख की घोषणा में उनको भूल ही गए। आपने किसी रूप से पूर्वानुमान, पूर्व तैयारी, कैंप्स, खुले मुफ्त किचन, रहने रुकने के प्रबंध, उनके बारे में सोचा ही नहीं। और ये तब जब कांग्रेस की तरफ से और कई और विपक्षी पार्टियों की तरफ से उनकी शीर्षस्थ नेतृत्व में, कांग्रेस प्रेसिडेंट से लेके प्रियंका गांधी से लेके राहुल गांधी से लेके, कितनी चिट्ठियां लिखी आपको कि पहले से तैयारी करें। तो ये तैयारी का अभाव एक मूल मुद्दा है।